के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, इस बार हम बताएंगे कि पापा के साथ क्या हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माय यूट्यूब चैनल वेला मुंडा टू, मैं हूं मोहम्मद सुहेल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बहन भाई खैरियत से होंगे, शादोबाद होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। कल हमारा फर्स्ट व्लॉग था, आज हमारा दूसरा व्लॉग है। माशाल्लाह आप सब बहन भाइयों की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम आगे तक आएँ और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएं। मेरा यूट्यूब चैनल वेला मुंडा टू को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि हमारे आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। चले जी, हम अब करते हैं अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। आज सुबह सुबह हमने नहाए हैं, फ्रेश वगैरह हो गए माशाल्लाह, नाश्ता हमने कर लिया, आप सब ने भी उम्मीद है कर लिया होगा। आज काफ़ी गर्मी है, मतलब कि रात बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा और आज सुबह सुबह फिर धूप निकल आई और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये मौसम ही कुछ ऐसा है कि मतलब कि बारिश वगैरह जब भी होती है उसके बाद हबस वगैरह हो जाती है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चले जी, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। पिछले व्लॉग में हमने अपनी फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, इस बार हम बताएंगे कि पापा के साथ क्या हुआ था। मेरे पापा बाहर रहते थे तो उसके बाद मतलब कि काफ़ी अरसा उन्होंने बाहर गुजारा है। अब उसके बाद फिर वो वापस आ गए थे यहाँ, उसके बाद उनको मतलब कुछ प्रॉब्लम होने लगी। हमने चेकअप उनका करवाया तो उसमें उन्होंने बताया कि उनको कैंसर है, तो फिर हमने उनका काफ़ी इलाज करवाया। बहरहाल आप सबको पता है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं होता, फिर भी हमने कोशिश की। बाकी जो अल्लाह का मंजूर जो आया है उसने जाना तो है ही एक ना एक दिन। अल्लाह हमारे वालिद को जन्नत में अला मुकाम दिए, उनके मगफरत फरमाए, और आप सब से भी दुआ की अपील है कि आप सब उनके लिए दुआ करें। और आप सब बहन भाई सोच रहे होंगे कि मैं काम वगैरह क्या करता हूँ। मैं पौधों का काम करता हूँ, नर्सरी वगैरह में है, मतलब कि वो जहाँ पौधे वगैरह उगाए जाते हैं मैं वही काम करता हूँ, पौधे वगैरह उगा कर सेल आगे करता हूँ। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप सबसे शेयर करेंगे कि मैं कौन सा काम करता हूँ, आप सबको दिखाऊँगा कि कैसे काम किया जाता है, कैसे पौधे उगाए जाते हैं, कैसे उनके साथ मतलब कि आगे बड़े किए जाते हैं, फिर सेल करते हैं ये वो, ठीक है, सब कुछ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के साथ हम अपने व्लॉग का करते हैं एंड, और दुआओं में आप सब याद रखना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।